कोई भी व्यक्ति, लोग, समाज और राष्ट्र संपन्न होने के लिए मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वे अपने जीवन में चुनने की आजादी पा सके। जब इंसान को अपने जीवन में कोई काम की चीज या कहे बहुमूल्य चीज मिले तो उसे अपने जीवन की दिशा उसी के अनुसार तय करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि आप उसी के अनुसार अपनी दिशा बदलने में सक्षम हो? लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया के अधिकतर खुशहाल समाजों ने अपना जीवन इस तरह बना लिया है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। लोगों के लिए आध्यात्मिक संभावनाएं लगभग हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने हिसाब से अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाए। किसी व्यक्ति को सच्चा साधक बनने से सिर्फ एक ही समस्या रोकती है कि जब भी आध्यात्मिक संभावना निकट आती है तो वो किसी वजह से उससे जुड़ नहीं पाता। हर दिन मैं बहुत से लोगों को आध्यात्मिकता के करीब आते और फिर उसमें बाधा आते देखता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका घर 30 साल के लिए बैंक में गिरवी है, खासतौर पर अमेरिका में। वे अपनी जिंदगी की योजना इस तरह बना रहे हैं मानो वे 1000 साल यहां रहने वाले हो, लेकिन दूसरे देश भी धीरे धीरे ऐसा करने लगे हैं। मान लीजिए कल सुबह ईश्वर आपको मिल जाए, लेकिन आप अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते क्योंकि आपके पास स्टूडेंट लोन, हाउस लोन और 45 साल का हेल्थ केयर प्लान है। ये सारी योजनाएं बीमा कंपनी, बैंक, सरकार और हर किसी ने मिलकर बनाई है और आप उस योजना को नहीं बदलेंगे। लेकिन आपके लिए सृष्टा की योजना यह है कि आप एक पूर्ण विकसित बन जाए, जीवन के इस अंश जो आप है के लिए सिर्फ सृष्टि के स्रोत की योजना ही मायने रखती है। आपकी बीमा कंपनी जिन योजनाओं का प्रस्ताव देती रहती है हम उसे मान सकते हैं अगर वह हमारे लिए कारगर हो, लेकिन अगर आपने अपने पूरे जीवन की योजना सिर्फ इस डर के आधार पर बनाई हो कि मेरे साथ क्या होगा तो यह बहुत दुखद है। चाहे आपके पास कितना भी बीमा हो फिर भी आप कल सुबह मर सकते हैं, ये एक संभावना है। हमेशा इस बारे में चेतन रहना कि मैं नश्वर हूं, यहां स्थायी तौर पर नहीं रहना है, एक जबरदस्त आजादी है। मैं गुजरने वाले हर पल के प्रति जागरूक हूं और जानता हूं कि और कितने पल बाकी है, वे असीम नहीं सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप अपने समय की गिनती करें कि आपके पास कितने पल बाकी है। अगर आप जो करना चाहते हैं उसके लिए समय की अहमियत को नहीं समझते, अगर आपका जीवन सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए है तो आपके कर्ज चुकाने से पहले आपकी मौत हो सकती है। फिर आपने उसे एक सेल्समैन की मौत की तरह बना दिया। आपको लगता है कि आप उनसे अधिक स्मार्ट है क्योंकि वे मरे लोगों से कर्ज नहीं वसूल सकते। आप अपने जीवन की ऊर्जा और समय ऐसे कितनी ही चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपको रोज इस बात पर विचार करना चाहिए और लेखा जोखा रखना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप कोई चीज करते रहेंगे और 25 साल बाद आपको पता चलेगा कि वह सब बेकार है। बेकार का मतलब यह नहीं है कि कोई चीज गलत हो गई है, अगर वैसा हुआ तब तो आप जाग ही जाएंगे।
अगर वाकई कोई चीज बहुत गलत हो जाती है तो आप बैठकर देखेंगे कि यह क्या हो रहा है। असली गड़बड़ तब होती है जब कुछ भी गलत नहीं होता, जब सब कुछ यूं ही चलता रहता है, बस सिर्फ जीवन नहीं घटित होता। आपको अपने साथ यह त्रासदी नहीं होने देना चाहिए। त्रासदी किसी बम के धमाके की तरह नहीं घटित होती, वह चुपचाप घटित होती है। चाहे आप व्यस्त हो, चाहे बोर हो रहे हो, दोनों रूपों में जिंदगी आपको छोड़कर आगे निकलती रहती है। अगर कोई बस आकर आपको धक्का मार दे तो यह त्रासदी नहीं बल्कि सिर्फ एक दुर्घटना है, क्योंकि एक बार कुछ हड्डियां टूटने के बाद आप अत्यंत सतर्क हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि इस जीवन का मकसद क्या है। लेकिन जब आप बैठे रहते हैं तो जीवन बस फिसलता रहता है, यह एक त्रासदी है। समय सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता है। फिलहाल व्यावसायिक ताकतें लोगों के जीवन की गुणवत्ता को तय कर रही है। क्रूज का टिकट बेचने वाले लोग कहते हैं आपको इस क्रूज पर चलने पर 50% छूट है। जो कपड़े बेचते हैं वे आपको बताएंगे यह तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, 90% छूट है। कम से कम आपको समझना चाहिए कि 90% छूट का मतलब ही यह धूर्तता है। आप अपने पैसे का निवेश कैसे करते हैं यह आपके ऊपर है, मगर आप अपने जीवन का निवेश कैसे करते हैं यह व्यवसायिक ताकतों को तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन समय की अर्थव्यवस्था है, वह फिसल रहा है। अपनी खुशहाली के लिए हम इस पल का लाभ कितनी अच्छी तरह उठा पाते हैं बस यही मायने रखता है। पैसा आता जाता रहेगा, बाकी चीजें भी आती जाती रहेंगी। समय ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो जो चीज हमेशा सिर्फ जाती है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको एहसास होने से पहले वह चली जाएंगी। तो आपको अपनी भीतरी खुशहाली के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगर आप अपने आप में एक संपूर्ण जीवन के रूप में यहां बैठ सकते हैं, यही खुशहाली है। आप क्या करते हैं और क्या नहीं, ये बात की बात है। जब हम खुशहाल होते हैं तो जो भी उच्चतम संभावना होती है हम उसके लिए कोशिश करेंगे। जब हम बीमार होते हैं तो हम आमतौर पर सबसे हल्की चीज के लिए कोशिश करते हैं, जिसे हम ज्यादा जोखिम उठाए बिना कर सके। तो क्या यह आपका काम नहीं है कि आपके जीवन का पहला और सबसे प्रमुख काम यह हो कि आप वास्तव में खुशहाल हो। खुशहाल का मतलब सिर्फ सेहत से नहीं है, खुशहाल का मतलब है कि आप एक संघर्ष नहीं है, आप अपने जीवन में खुद एक समस्या नहीं है, दुनिया में दूसरी समस्याएं हैं, अपनी काबिलियत के अनुसार हम उनसे निपट लेंगे, मगर आपको खुद कभी समस्या नहीं बनना चाहिए। ऐसा होने के लिए एक निवेश करना पड़ेगा। आपको कुछ समय निकालना होगा जो सिर्फ उसी के लिए है। या तो आप यह अपने घर में करें अगर ऐसा करना संभव हो, या फिर आश्रम में थोड़ा समय बिताए जहां इसी के लिए सुविधाएं बनाई गई है। अगर आप खुद इसका प्रबंध कर सकते हैं तो बढ़िया है। अगर आपको व्यवस्था की जरूरत है तो वह उपलब्ध है, मगर आपको अपनी आंतरिक खुशहाली के लिए समय जरूर लगाना चाहिए, वरना वह आपको मिलेगी नहीं। निवेश नहीं तो लाभ नहीं। धन्यवाद।